मैं कालचक्र हूँ। सदियों से महापुरुषों, संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, देवताओं की किस्से कहानियाँ अपने में समय चला आ रहा हूँ अनवरत अथक। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका केवल नाम मात्र लेने से मानव जन्म सफल हो जाता है, उन्हीं प्रभु श्री राम की कथा दोहराने, उनके चरित्र का गुणगान करने आया हूँ मैं कालचक्र। लंकिनी समझ चुकी थी कि अब लंका पर संकट निकट आ चुका है। नया नया सूरज निकलेगा, लंका का नाश निश्चित है और रावण की हार से लंका की दशा भी बदलेगी। कोई दिव्य पुरुष आकर फिर देवतियों का संहार करेगा। लंकिनी ने फिर हनुमान को नमन किया और आगे की राह बताई। खड़ी रह गई स्वयं लंकिनी, मंद मंद मुस्काई, किंतु कुछ आनंदित भी और कुछ घबराई। जय श्री राम। हनुमान लंका द्वार को पार कर भीतर आए तो स्वर्ण लंका की आभा देख देख कर आंखों में खुमारी छाने लगी। वन शोभा भरों का गुंजन, एक एक क्यारी क्यारी फूल फलों से लदी हुई थी उपवन डाली डाली। नदी सरोवर सागर तट सुंदर थे पर कोटे, जिनकी मणिमय शोभा से दूजे लगते थे छोटे। सेना के जवान अनगिनत रथ घोड़े हाथी नैनाभिरामी थे। जय श्री राम। राक्षसों की नगरी में राम नाम जप सुनकर हनुमान चकरा गए। फिर हनुमान की भेंट राम भक्त विभीषण से हुई। उन्होंने सीता माता का पता बताया। खोज खोज कर तब बजरंगी अशोक वाटिका आया। अशोक वृक्ष की छाया में सीता दर्शन पाया। दुखी देख माँ सीता को आँख में जल भर आया। पेड़ पे बैठे हनुमान ने वातावरण को परखा। भय रावण का भरा हुआ त्रिजटा का प्यार भी देखा। अब पवन पुत्र बेचैन हो उठे। जय श्री राम। सीता माता का एकांत देखकर हनुमत ने मुद्रिका नीचे गिराई। राम मुद्रिका देख सिए के मन में शंका जैसे जागी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई राक्षसी माया हो। फिर भी सीता के मन में आया, शायद कोई राम दूत ही यह मुद्रिका लाया हो। सीता माता ने पूछा, कौन है भाई रामदूत बनकर इस उपवन में आया है? यह तो बात है मेरे मन की, जिसने मन हर्षाया। कौन भक्त जो मेरे राम की प्रेम निशानी लाया? जय श्री राम। हनुमान जी फिर प्रकट हो गए, पेड़ से नीचे उतर आए। माता को प्रणाम कर हनुमान ने सारा वृतांत सुनाया। राम की व्यथा को सुनकर सीता मन ही मन अकुल आई। आपस में कुशल क्षेम पूछकर राम भक्त ने आज्ञा चाही। हनुमत ने कहा कि माता भूख लगी है मुझको, उदर में ज्वाला भड़क रही है,
पेट की भूख कैसे मिटाऊं? तो माता सीता ने कह दिया, जाओ फल खा के आ जाओ। जय श्री राम।